बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, तो हम आज की क्लास हमने क्यों रखी है, ताकि हम रेनन मार्टन, जो बड़ी नायाब और बड़ी अच्छी बुक समझी जाती है, उसको पढ़ने का सलीका सीख सकें। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कल हमने बात की थी, परसों, तो बात ये थी कि लाइट चली गई थी अचानक। उस बात को मैं रिपीट कर दूं जरा। ये जनाब, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये है वो बुक जिसके पढ़ने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वो बुक है जिसका नाम है रेनन मार्टन। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट एडिशन भी अवेलेबल होता है मार्केट में, पायरेटेड, और ओरिजिनल एडिशन जो कलर्ड है, मल्टी कलर्ड, वो भी अवेलेबल होता है। दोनों सही है। एक बच्चे ने मुझे पिक्चर सेंड करी थी, उसको जो पिक्चर सेंड की थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। तो बुक यही है बेटा, बुक यही है, ठीक है ना। कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, डजंट मैटर। पी सी रेन और एच मार्टिन की लिखी हुई बुक है, ठीक है भाई। और ये देखें, इसके एक्नॉलेजमेंट में मजे की बात बताता हूँ आपको इस बुक के बारे में। मैंने बताया था किताब खरीदने का सलीका क्या है, तो वो भी मैं कल वाले परसों वाली वीडियो भी रिकॉर्डेड हो गई थी, अवेलेबल हो गई थी, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको। पी सी रेन और एच मार्टिन ने लिखी है और रिवाइज्ड बाय, देखिए लिखा है रिवाइज्ड बाय एनडीवी प्रसाद राव, एमए डीटीई पीएचडी। मजे की बात यह है कि ये प्रसाद राव साहब जो है ना, जिन्होंने रिवाइज किया है इसको, ये साहब कौन है? अब देखिएगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ प्रीफेस में जाइए, तो प्रीफेस में क्लियर कट लिखा हुआ है, प्रीफेस में, यस, इट वाज इन द ईयर 1972। ये प्रसाद राव साहब खुद लिख रहे हैं, देखो नीचे उनका नाम है, प्रसाद राव साहब लिख रहे हैं प्रीफेस ऑफ द बुक। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं इट वॉज इन द ईयर 1972 that the revision of this book was contemplated and the publishers commissioned me to revise it thoroughly. The revised edition came out in 1973 and was very well received. One of the main features of the revised edition was the addition of a great deal of new material, such as the three chapters on structures based on the new developments in the study of English structure and usage. तो ये सब कुछ 1973 में हुआ, ठीक है भाई, 72 और 73 में, सही है? अच्छा जी, उसके बाद से देख लीजिए, उसके बाद से आज तक ये वही नाम चल रहा है, रिवाइज्ड बाय एनडीवी प्रसाद राव। अच्छा, ये हमेशा प्रिंट कहां से हुई, मैं इसको इनलार्ज कर दूं तस्वीर को, ये देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, पैरामाउंट वालों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, परमिशन ली है, ठीक है, लेकिन कॉपीराइट्स जो हैं वो किसके हैं, 1936 में पहली बार मनेकजी, ये हिंदी नाम है, मनेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट बॉम्बे, ये हिंदी या पारसी नाम है शायद, मनेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट बॉम्बे ने पहली मर्तबा 1936 में ये किताब छापी थी। 1936 के बाद 1973 में रिवाइज्ड एडिशन छपा, और उसके बाद कंटिन्यूसली एस चांद एंड कंपनी इसको छापती रही। 2018 में दो मर्तबा छपा है, उसके बाद आज तक छप रहा है। प्रिंटेड इन इंडिया, इंडिया में प्रिंट होती है, पाकिस्तान में इसकी पायरेटेड कॉपी मिल जाती है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई बुक नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, बहुत से लोग इसे बड़ी ऑथेंटिक बुक समझते हैं, ये चांद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की छपी हुई किताब है, ठीक है भाई। एक बार, अच्छा जी,
अब और देख लीजिए, किसी और का नाम इसमें आया ही नहीं है कहीं जिसने इसको दोबारा रिवाइज किया हो किसी पेज पर भी। ठीक है भाई, ये देख लीजिए, यानी एक दफा रिवाइज हुई है, वो भी 1973। अब ये कितनी ऑथेंटिक रह गई है आप खुद देख लीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पुरानी बुक है, गलत नहीं है, पुरानी है, मैं गलत नहीं कहता हूँ ये। अच्छा मैं एक काम करता हूँ यार, असल में सारे चेक मुझी को लगाने पड़ेंगे। हाँ अब सही, ये वीडियो क्यों ऑन करते हो यार अपने। अच्छा जी, तो ये बुक मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, और आज तक इसमें रिवीजन के बाद भी 1973 में रिवाइज हुई थी, 72-73 में। और देखो चैप्टर नंबर 23, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है 23 पर, चैप्टर का नाम क्या है, मूड। जबकि जितनी भी नई बुक्स हैं उनमें मूड का नाम नहीं है बल्कि मोड्स का नाम, MODE, मोड। लेकिन अभी तक ये पुरानी टर्मिनोलॉजी इसमें मौजूद है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बुक इस वक्त दौरे हाजिर में कितनी ऑथेंटिक होगी। ओल्ड है, पुरानी है, बहुत सी चीजें इसकी जो है रिवाइज होने और चेंज होने की इसमें जरूरत है, और ऐड होने की जरूरत, बहुत सी चीजें ऐड होना चाहिए इसमें जो नहीं होना। ठीक है भाई, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश राइटर्स की है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए अच्छी है। इसको पढ़ने का सलीका अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है। अब वो पढ़ने का सलीका क्या है, तो परसों जब लाइट चली गई थी क्लास के दौरान, तो मैंने बैठकर जनरेटर की रोशनी में काम यही किया था कि वो जो मेरे पास हैंड रिटन था ना पूरा मटेरियल, मैंने उसको वर्ड पर टाइप कर लिया ताकि आपको दिखाना आसान हो जाए। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत तो लगी लेकिन अब लेक्चर लेना मेरे लिए आसान हो गया। चलें मैं ये स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अच्छा इस बुक में आप एक चीज़ और भी देख लीजिए। हाँ एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन हो आपको, तो ये मैं क्लियर कर दूं। देखिए ये एक बुक जो है, शायद आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपके पास ये बुक है तो अभी खोल के बैठ जाएं, आसानी हो जाएगी। और बुक नहीं है तो फिर इस रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे तो फिर ये बुक खोल कर रखिएगा सामने। देखिए इसमें कंटेंट्स में जब जाते हैं ना, है ना, तो सामने रखें। कंटेंट्स में जब जाते हैं तो देखिए, एक है इसमें माइकल स्वान का बुक, अच्छा नहीं माइकल स्वान की बुक नहीं है ये, माइकल स्वान तो बहुत ऑथेंटिक बुक है, अथॉरिटी है इंग्लिश में। अच्छा जी कंटेंट्स में जब जाते हैं तो एक है बुक वन, बुक वन में ग्रामर है। ठीक है, फिर आती है बुक टू, बुक टू में कॉम्पोजिशन है, और बुक वन के पार्ट एक ही है मगर बुक टू में पार्ट वन एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस पार्ट वन है, पार्ट टू में करेक्ट यूसेज है, पार्ट थ्री में स्ट्रक्चर्स, पार्ट फोर में रिटन कॉम्पोजिशन। ठीक है, चार पार्ट्स हैं बुक टू के और बुक वन का एक पार्ट है। सही कह रहा हूं मैं, चेक कर लिया आपने। बुक वन जो है, ये सामने मेरी किताब है, हाँ बुक वन जो है इसके अंदर तो एक ही पार्ट है, बुक टू में चार पार्ट्स हैं इसके। यस ठीक है भाई, कोई टेंशन, आगे चलें। हाँ भाई, अब देखिए, तो जब मैं कहूंगा ना बुक वन बुक टू, तो आप समझ जाएंगे कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कंटेंट्स में इस तरह से। ठीक है, और पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बुक टू में है, बुक वन में कोई पार्ट नहीं है, पार्ट वन ही है। ठीक है,
चलें मैं स्टार्ट करता हूं और शेयर करता हूं स्क्रीन, और फिर किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सलीका सीखना है आपको इस किताब में। ठीक है भाई, तो क्या ख्याल है, शुरू करें? चले मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद एक और भी बात है इस सीक्वेंस में, थैंक यू भाई, इस सीक्वेंस में जब आप किताब पढ़ेंगे तो जिंदगी भर दुआएं देंगे मुझे कि सर अब ये किताब समझ में आना शुरू हुई है और एंड तक समझ में आएगी। वरना इस किताब के अंदर खराबी क्या है कि पहला चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर पे जाते हैं ना तो समझ ही नहीं आ रहा होता, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, चौथे पांचवें चैप्टर के बाद तो लग रहा होता है कि ये किताब हमारे लिए बनी नहीं है, प्रोफेसर के लिए बनी है। तो हाँ ना, सही कह रहे हैं आप, माइकल स्वान की बुक के लिए कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। माइकल स्वान की बुक तो जहां से भी जो पेज भी खोलेंगे एक नई बात होगी, उसकी खूबसूरती है, वो यूसेज की बुक है ना, जहां से भी जो पेज भी खोलेंगे हर पेज पे एक नई बात है और एक नई बात सीखेंगे आप, लिहाजा वो बुक कभी बोर नहीं करती आपको। लेकिन ये बुक जो है ना बहुत जल्दी बोर कर देती है आपको, बशर्ते कि आपको पढ़ने का सलीका आता। चले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक एक चैप्टर वाइज आपको बताता जाऊंगा कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हमने पढ़ना। ये देखिए मैंने इतनी मेहनत से ये टाइप करके रखा आपके लिए। हाँ जी, चैट मैंने साइट पे खोल लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ टू रीड रेनन मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। सही है भाई, बुक वन। सबसे पहले आप बुक वन खोलेंगे तो पहला चैप्टर है द सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दूसरे चैप्टर के बाद आप उसूलन तो तीसरे चैप्टर पे जाना चाहिए, है ना, ये बुक मैं खोल के रख रहा हूँ सामने अपने, और तीसरा चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लॉज। अभी बच्चे को प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का पता चला है और डायरेक्ट वो फ्रेज पे पहुंच जाए तो अजीब सा हो जाएगा बच्चा, तो बेटा नहीं, ऐसा तरीका नहीं है। बुक वन से आपने ये दो चैप्टर पढ़ लिए अगर, यानी द सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो चैप्टर पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट छलांग लगाकर जाएंगे बुक टू पे, और बुक टू के पार्ट वन में चैप्टर वन है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, लॉजिकली भी अगर आप देखें तो अभी आपने सेंटेंस पढ़ा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है, तो अब सेंटेंस के एनालिसिस पे जाएंगे आप, ठीक है, जो कि पेज 149 पर है, यानी डायरेक्ट इतनी लंबी छलांग, इसलिए कि टॉपिक कंसर्न्ड, ठीक है ना, टॉपिक वही है जो आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है, अब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। पार्ट वन, बुक टू पार्ट वन चैप्टर वन एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसके बाद वापस बुक वन पे आ जाइए और बुक वन पे आकर चैप्टर फोर पे जाइए, थ्री को टच मत कीजिए, फोर पे जाइए। चैप्टर फोर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच का मतलब सेंटेंस ही है, जब आपने सेंटेंस पढ़ लिया उसे एनालाइज कर लिया, अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आएंगे, यानी सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं उन पर आएंगे आप, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद चैप्टर 5, 6, 7, 8, चैप्टर 8 तक बात हो रही है नाउन की। चैप्टर 5 में नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन है, 6 में नाउन जेंडर बताया गया है, 7 में नाउन के नंबर बताए गए हैं सिंगुलर प्लूरल, और 8 में नाउन का के केसेस बताए गए, ठीक है भाई। मैं अगर आप कहें तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर बात हो रही है ऐसे नाउन्स, तो काइंड्स ऑफ नाउन, फिर नीचे चैप्टर 6 में बात हो रही है
जेंडर की, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन। फिर चैप्टर 7 में बात हो रही है नंबर की, और चैप्टर 8 में बात हो रही है टेस्ट। जब यहां तक आप पहुंच गए तो चैप्टर 8 के बाद 9 पे जाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 15 पे जाएंगे आप, पर्सनल प्रोनाउंस पर। कहां आ गए हम? डायरेक्ट प्रोनाउन पर आ गए, पर्सनल प्रोनाउन। फिर रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फिर रिलेटिव प्रोनाउंस और फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। चैप्टर 19 तक आ गए, यानी 8 के बाद डायरेक्ट 15, 16, 17, 18, 19। अब 19 पे आने के बाद डायरेक्ट जाएंगे बुक 2 पे छलांग लगाते हैं। ऊपर आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया ना, अब बुक 2 के पार्ट 2 पे जाएंगे आप। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 18 देखिएगा, नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। टोटली ऊपर जो कुछ आप पढ़कर आए हैं उससे रेलेवेंट है, इररेलेवेंट नहीं। हाँ बेटा, अपनी बुक लिखना शुरू की थी, 66 पेजेस लिखे हैं और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं निकला मैं, ठीक है ना? अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही खत्म नहीं हुई, 66 पेजेस हो चुके हैं। जिंदगी में कंप्लीट हो गई तो इंशाल्लाह छप जाएगी। चैप्टर 18, नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, पार्ट 2, बुक 2। जब ये कर लेंगे तो वापस बुक 1 पे जाएंगे आप, और नया टॉपिक खुलेगा दी एडजेक्टिव, चैप्टर 9 पे आ जाएंगे आप। अब देखें, ऊपर आपने यहां तक जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो। अब देखें, नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, यहां तक आपने इन दोनों टॉपिक्स को, नाउन्स और प्रोनाउन्स को, डिटेल में पीछे कर लिया ना, ये सारे आपस में रेलेवेंट थे टॉपिक्स। अब आप वापस बुक 1 पे आइए, एडजेक्टिव्स खोले, 9, 10 पे है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, 11 पे एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, 12 पे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, 13 पे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, और 14 पर फिर आता है आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, है ना? जब यहां तक पहुंच जाएं, तो फिर बुक 2 पे जंप लगाकर जाएं, बुक 2 पार्ट 2। बुक 2 पार्ट 2 में चैप्टर 19 है एडजेक्टिव्स का, इसे डिटेल से पढ़ें। बैकग्राउंड बन चुका होगा, जब इसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। एडजेक्टिव्स निमट गए, अब आइए बुक 1 पे। बुक 1 पे जब आएंगे तो चैप्टर 20 स्टार्ट हो रहा है वर्ब का। अब वर्ब चैप्टर 20, चैप्टर 21 वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, 22 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वही वर्ब है, 23 में मॉडल वर्ब्स हैं जिन्हें उस वक्त तक, अभी तक मूड्स कहा जाता है, 32 पे ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है भाई? जब ये सारी टाइप्स आपने वर्ब की पढ़ ली तो अब इसका यूसेज देखना है। देखो एक कॉमन सी बात है, पहले आप बुक 1 से पढ़ते हैं उस चीज की डेफिनेशंस, बुक 2 में पढ़ते हैं उसका यूसेज, तो सीक्वेंस ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बुक 1 में जो चीज पढ़ी है, बुक 2, बुक 3, बुक 4 में उसका यूसेज देखिए। अब आप ये सिंपल ट्रिक है इसकी। बुक 2 में, पार्ट 2 में चैप्टर 20 है वर्ब्स के नाम से, देखिए चेक कीजिए, है ना? तो अब ये पढ़ना है आपने वर्ब्स। जब ये पढ़ लेंगे तो बुक वन पे वापस आ जाइए। अब आप टेंसेस पढ़ने के काबिल हो गए, क्योंकि आपने नाउन्स भी पढ़ लिए, प्रोनाउंस भी पढ़ लिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी पढ़ लिया, आपने एडजेक्टिव्स भी पढ़ लिए, आपने वर्ब भी और ऑक्सिलरी और मॉडल्स और सारे वर्ब्स पढ़ लिए। अब आप आएंगे बुक 1 में चैप्टर 24 पर, टेंसेस के इंट्रोडक्शन पर, क्योंकि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि टेंसेस समझ सके।
फिर टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर 25 यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, फिर 26 पे फ्यूचर, फिर 27 पर आप द वर्ब पर्सन एंड नंबर, फिर 28 पर द इंफिनिटिव, 29 पार्टिसिपल, 30 जेरंड, 31 इरेगुलर वर्ब। अब ये सारी टाइप्स आपने पढ़ ली, बुक टू पे जाएंगे, बुक टू पे जाकर बुक टू में पार्ट थ्री पर जाएंगे, पार्ट थ्री में जाकर 30th चैप्टर है वर्ब पैटर्न्स। ये करने के बाद फिर बुक टू में पार्ट टू पर आएंगे और चैप्टर 17 है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये आपके टेंसेस और वर्ब के सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी दूर हो जाएंगी। फिर आप आएंगे बुक वन में, एक नया टॉपिक ओपन करेंगे, दैट इज द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, ये सारी चीजें करने के बाद चैप्टर 37 तक बुक टू में जाएंगे। पार्ट टू में 21 पर एडवर्ब्स का यूसेज है, फिर एडवर्ब्स वहां से पढ़ेंगे। 23 चैप्टर 22 नहीं छेड़ेंगे, 23 पर जाएंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करेंगे, क्योंकि उसमें एडवर्बियल क्लॉजेस और एडवर्बियल फ्रेजेस सारे आ जाएंगे। फिर बुक टू पे आएंगे पार्ट वन में, और पार्ट वन में आकर चैप्टर टू जो हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। अब यहां से देखो चैप्टर टू फ्रेजेस, चैप्टर थ्री क्लॉजेस, क्योंकि पीछे आप ऊपर देखें 23 पर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़कर आ चुके हैं, अब प्रॉब्लम ही नहीं है। टू पे फ्रेजेस, थ्री पे क्लॉजेस, फोर पे सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, फाइव पे मोर अबाउट नाउन क्लॉज, मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, सेवन पे मोर अबाउट एडवर्ब क्लॉज, एट पे एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाइन पे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, टेन पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इलेवन पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंटिन्यूड, फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, 13 पर सिंथेसिस सेंटेंसेस कंटिन्यूड है, 14 पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कंटिन्यूड है, 15 पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, 16 पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब ये कर लेंगे बुक टू पे आए, वापस बुक टू के पार्ट थ्री पर आएंगे, चैप्टर 31 है क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स, छोटी छोटी बातें हैं उसमें, और 32 पर मोर स्ट्रक्चर्स, ये वो है जो 1973 में ऐड किया गया था चैप्टर, ये एक चैप्टर ऐड किया गया था, ठीक है। यहां आकर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसके बाद मैंने बाकी चीजें क्यों छोड़ी, क्योंकि इसके बाद क्या है, रिटन कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा। रिटन कॉम्पोजिशन में जाहिर है पैराग्राफ राइटिंग और स्टोरी राइटिंग और ये तो तरतीब से चलेंगे जैसे इसमें सीक्वेंस है बुक में, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर आप लॉजिकली भी देखें ना, तो हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज चैप्टर्स को सीक्वेंस में लाए हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। और ये मैं आपको पीडीएफ पर भेज दूंगा, ये पेज व्हाट्सएप में। इस सीक्वेंस पर आप जब पढ़ेंगे तो किताब आपकी समझ में आएगी, ठीक है भाई। यही फरमाइश थी आप लोगों की, रेन मार्टिन हम कैसे पढ़ेंगे, बस आपकी दुआएं चाहिए। ये काम आज तक किसी ने भी नहीं किया, ये मेरे नाना ने मुझे सिखाया था, मरहूम सैयद महफूज अली साहब ने, और आज मैंने ये अमानत जो थी उनकी आप तक पहुंचा दी। YouTube पर मैंने वादा किया था, तो मुमकिन हो सका तो ये वीडियो मैं YouTube पर भी अपलोड कर दूंगा। हाँ, मुझे दुआएं कम दीजिए, मेरे नाना को ज़्यादा दीजिए, उन्होंने ही जो है मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, और उनकी बदौलत ही एक मेरे नाना है सैयद महफूज अली साहब मरहूम, और दूसरे मेरे उस्ताद जिनको मैं कभी नहीं भुला सकता, प्रोफेसर जाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मरहूम, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया सारी जिंदगी, फ्री ऑफ कॉस्ट,
और इस काबिल बनाया कि मैं खुद टीचर बन गया, खुद लेक्चरर बन गया। तो उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनको गरीक रहमत फरमाए, जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम कल सैटरडे संडे कोशिश करूँगा, सैटरडे तो मुमकिन नहीं, संडे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, डबल क्लास हूँ आपकी। और जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था, कौन सा चल रहा था, माइकल सॉन इज इनफ फॉर CSS। नहीं बेटा बात ये नहीं है CSS में, माइकल सॉन तो यूसेज के लिए ना। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ फिर बात करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करने से पहले मैं सबको खुदाफिज कह दूँ, रिकॉर्डिंग वालों को, इशाद रहें और आबाद रहें।